हम इसको ना वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये मोलर वॉल्यूम की जो तो टर्म है ना इट इज एप्लीकेबल ऑन द गैसेस गैसेस पर्टिकुलरली द आइडियल गैसेस ये उनके लिए यानी मोलर वॉल्यूम की टर्म सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं होती ये गैसेस के लिए होती अब अल्फाज पे गौर करना मोलर वॉल्यूम के मीनिंग्स क्या हैं इस लफ्ज़ पे गौर करना मोलर वॉल्यूम द वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑक्योपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्योपाइड बाय ऑक्युपाइड बाय वन मोल ऑफ आ गैस ये तो इस लफ्ज के मान ही आ गया ना मोल वॉल्यूम के किसी भी गैस का एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्योपाई करता है हम उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं लेकिन ये आधी बात है अगली बात भी सुनो ना एट एट एस टी पी एस टीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमोस्फियर अभी भी बात मुकम्मल नहीं हुई हम हम ना मोलर वॉल्यूम के को डेफिनेशन नहीं याद कर रहे हम इसके डेफिनेशन के अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट इनको याद कर रहे हैं हम चीजें याद नहीं कर रहे सीख रहे हैं ये ये मेरा बुनियादी फलसफा है एंटीटेस्ट का अच्छा द वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम आपको वन मोल ऑफ अ गैस एट एस अब काम भला क्या करना है काम ये करना है कि आपने ये एक गैस सिलेंडर लिया इस गैस सिलेंडर में आपने वन मोल ऑफ अ गैस ली वन मोल ऑफ अ गैस और मैं कह रहा हूं कि दिस गैस मस्ट बी आइडियल अब वन मोल है उस गैस के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने आपके पास है। अब अब आपने इसको रखा है एस पर व्हाट इज एस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एस एसटीपी एस टीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर चीजों को मिक्स नहीं करना मैं बार बार कहता हूं ये स्टैंडर्ड एज फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर स्टैंडर्ड होगा टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और अगर आप कैलवन में जाएंगे तो हम हमें टू सेवन थ्री कैलवन प्रेशर प्रेशर वन एटमोस्फियर टॉर में जाना है तो सेवन सिक्सटी टॉर एक ही बात है अगर आप इतना टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करते हैं तो हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक चीज और भी होती है और वो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा दी स्टैंडर्ड कंडीशन और बार है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर और बात है अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है तीन चीजों को हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं तीन चीजें नंबर वन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या जिसे आप 298 नाइन्टी एट कैलवन कहते हैं प्रेशर प्रेशर वन एटमोसफियर जिसे आप सेवन सिक्सटी कहते हैं एंड and the solution should be concentration of solution, it should be one molar solution. In तीन चीजों को हम कहते standard condition. In इनमें और इनमें फर्क है, particularly temperature ka difference Hai. Standard temperature zero degree centigrade Hota hai. और standard condition पे जो temperature होता है वो 25 five. इन आपने बातों, मैंने standard temperature and pressure की बात की. तो अगर आप किसी भी gas को STP पर लेते हैं, यानी आप इसका temperature रखें टेम्परेचर रखें जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू सेवेंटी टू रखें और प्रेशर प्रेशर इसका आपने वन एटमोसफियर देना है अभी क्या ये ऊपर वाली बात मुकम्मल हो गई है नो अभी मुकम्मल नहीं हुई तो अगर आप किसी भी आइडियल गैस का एक मोल एसटीपी पर लेते हैं तो वो गैस जितना वॉल्यूम आपको पाई करती है इसने कितना वॉल्यूम आपको पाई किया इसने वॉल्यूम आपको पाई किया ट्वेंटी फोर वन फोर डीएम क्यूब इतना वॉल्यूम ऑकोपाई किया ये जो वॉल्यूम ऑफोपाई किया दिस वॉल्यूम इज कार्ड मोलर वॉल्यूम इसे मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम बाय मोल ऑफ अ गैस वॉल्यूम जो वन मोल ऑफ अ गैस कब एट एस टी पी दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर ये जो वॉल्यूम है ये ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब है एंड दिस वन इज कार्ड मोलर वॉल्यूम यहां बहुत सारी बातें हैं यह तो अभी एफ एस सी चल रही है बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी गुफ्तु है पहली बात क्या यह डीएम क्यूब में ही है हां नहीं आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब नहीं सेंटीमीटर इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई इट विद थाउजेंड थाउजेंड का मतलब है कि आप इस पॉइंट को यहां ले जाए तो यह हो जाएगा ट्वेंटी टू फोर वन फोर सेंटीमीटर क्यूब मैं कहता तो नहीं मुझे डीएम क्यूब सी क्यूब में नहीं मुझे मीटर क्यूब में वॉल्यूम चाहिए अगर आप इस वैल्यू को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको थाउजेंड पर डिवाइड करें करेंड पर डिवाइड करने का मतलब ये पॉइंट डिजिट इधर चला जाएगा और आपके पास जीरो मीटर क्यूब बेटा जी ये जो तो मैंने वैल्यूज लिखी है ना चाहे वो डीएम क्यूब में हो चाहे सेंटीमीटर क्यूब में हो चाहे मीटर क्यूब में हो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम एक तो ये आ गई इसका मतलब है कोई भी आप आइडियल गैस इन कंडीशंस पे देंगे तो वो इतना वॉल्यूम आपको पाई करेगी अगर आप वन मोल लेते हैं अगर आप अगर आप उस गैस का वन नहीं टू मोल्स लेते हैं तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम फिर ट्वेंटी से डबल हो जाएगा यानी अगर आप टू मोल लेते हैं तो फिर वॉल्यूम क्या होगा वो टू वी एम हो जाएगा अगर आप पॉइंट फाइव मोल लेते हैं तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा आधा रह जाएगा इसका मतलब है हाँ टेम्परेचर और प्रेशर इसको नहीं आपने चेंज करना एक इसमें से एक और एक और नुकता जरा समझना अगर मैं वन मोल ऑफ गैस लेता हूं प्रेशर तो मैं वन एटमोसफियर रखता हूं लेकिन टेम्परेचर में ट्वेंटी फाइव उसको एस टी पी नहीं कहूंगा उसको मैं कहूंगा आर टी पी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों में फर्क क्या है दोनों में प्रेशर तो सेम है लेकिन रूम टेम्परेचर वो हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे अब एट इसका क्या हुआ? मैं वन देखता हूं कि वन मोल कितना वॉल्यूम ऑफ पाई करेगी तो बेटा जी आरटीपी प्रेशर तो उतना ही है लेकिन आपने टेंपरेचर जीरो से ट्वेंटी फाइव बढ़ा दिया टेंचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा अब ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर नहीं होगा अब कितना होगा अब वो होगा 24 dm3 ऑलमोस्ट इतना होगा तो इसका मतलब है कि इस कंडीशंस पर टेंपरेचर वॉल्यूम वन मोल ऑफ गैस का वो इतना है एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम अगर आप टेंपरेचर को इंक्रीज करके रूम टेंपरेचर और प्रेशर की बात करते हैं, तो फिर आपके पास 22.414 नहीं होगा फिर 22 के बजाय 24 dm3 हो जाएगा ये कुछ बातें आपने ये ये अभी मैंने ना एक सिंपल से पॉइंट आपके सामने लाया मैं मैं अब एमसीक्यू बढ़ता हूं जरा सुनना अगर आप इन तमाम बातों को यकजा करो और अब हम की तरफ बढ़े तो मैं कहता हूं नाइट्रोजन गैस, गैस है मेरे पास मीथेन गैस है मैं एक नहीं मैं एक नहीं कई बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं ना नाइट्रोजन की बात करता हूं बेटा जी नाइट्रोजन का आपको मोलर मास होना चा, आना चाहिए एक नाइट्रोजन जो है वो आप जानते हैं 14 तो दो हैं तो 28 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये 44 ग्राम पर मोल इसका मोलर वॉल्यूम कह रहा हूं और ये 16 ग्राम पर मोल ये जो मैंने वैल्यू लिखी है आपको आनी चाहिए इसका मतलब है कि अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं N2 लेते हैं यू हैव 1 मोल अब देखो मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन बेटा जी दिस वन इज वन मोल ऑफ नाइट्रोजन और आप किसी भी इसका वन मोल लेंगे इट हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये 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 बात ध्यान में रखनी है Na जब भी मैं लिखता हूं मैं बार-बार आपसे कहता हूं मेरे से इतना नहीं लिखा जाता 0.6022 10 23 मेरे, मैं मैं इसकी बजाय क्या लिखूंगा Na एफ एस सी में हम बार बार लिखते हैं अब शॉर्टकट आए एन ए लिखे एनए का मतलब है मैंने ये सारी वैल्यू लिख दी वन ट्वेंटी एट ग्राम मोल होता है और इसमें इसमें इतने। मैंने अब ट्वेंटी एट ग्राम नाइट्रोजन को इसमें ऐड किया वन मोल नाइट्रोजन ली और इसको मैंने एसटीपी पर रखा तो इसने वॉल्यूम कितना ऑकोपाई किया वॉल्यूम इसनेकोपाई किया ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डीएम क्यूब एट एस मैं एक बात इंतहाई मादरत के साथ कहता हूं इंतहाई मादरत के साथ और वो ये है कि ये नाइट्रोजन हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दीज आर नॉट आइडियल गैसेस ये आइडियल गैसेस नहीं है और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम है तो कम टेम्परेचर पर तो ये आइडियल बिहेवियर बहुत कम शो करती है इसका मतलब क्या है मैं कहना चाहता हूं कि मैं मजबूरी के खातर ये कह रहा हूं कि ये 22.414 dmq वॉल्यूम एग्जैक्ट इतना नहीं होता एग्जैक्ट इतना नहीं Absolutely इतना नहीं है वो थोड़ा बहुत कम है लेकिन मैंने कुछ देर के लिए क्या आइडियल है है ये ये नहीं मैं इनको कंसीडर कर रहा हूं आप भी इसको ideal ही consider करें। अच्छा अब जरा वेरिएशन लाएशन ये जो है ना एंटी टेस्ट एंटी टेस्ट में ज्यादातर आपकी एनालिटिकल अप्रोच को परखा जाता है बेसिक जो अरिथमेटिक है वो उसको देखा जाता है आप स्टेटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं इसको परखा जाता है देखा जाता है अब जरा इस मैंने जो बातें बोली है ना इसका आप सबूत देखें अगर मुझे वो फोर्टीन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देता है ट्वेंटी अगर वो फोर्टीन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देता है फोरटीन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और आगे वो मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग करता है आपने 28 का हाफ ले लिया इधर भी हाफ करो तो आपके पास ये 0.5 मोल्स है मतलब अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन एक मोल है तो 14 ग्राम नाइट्रोजन हाफ मोल है अगर इसमें एवो नंबर है तो इसका मतलब क्या है इसमें क्या है इसमें हाफ एवो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अच्छा अगर अगर वन मोल ने एस पर इतना वॉल्यूम आपको किया है तो हाफ मोल वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा एंड दैट इज अलेवन पॉइंट टू जीरो मजीद एक और अंदाज में देखते हैं अब आपसे क्यों क्या पूछा जाता है एम क्यू पूछा जाता है कि यू हैव वन पॉइंट फोर ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बताएं बताएस पर यह कितना वॉल्यूम ऑकुपाई करती है दिस वन इज द क्वेश्चन अब वन पॉइंट फोर आपके जेन में ना पहले ये फिक्र चलनी चाहिए कि नाइट्रोजन ये उसका मोलर मैस है अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो वो इतना वॉल्यूम आपको पाई करेगी ट्वेंटी का हाफ लेने ले, 14 ग्राम 14 ग्राम होगा तो इसका भी हाफ किया उतना अब तीसरी बात मैं ये आपको ना इजिएस्ट वे बता रहा हूं अब तीसरी बात अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन है एमसी है कि बताएं अगर आपके पास वन है आपने फोर्टीन के यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है 1.4 का मतलब है ये पॉइंट यहां चला गया ये 1.4 अगर ये यहां चला गया ये पॉइंट यहां चला गया और इधर ये पॉइंट यहां आ गया तो इसका मतलब है ये कितना पाई ये कितना वॉल्यूम वॉल्यूम करेगी 1.12 करेगा एट एक तो मेरे ना इस गुफ्तगु को जेन में रखो एक और खूबसूरत गुफ्तगु मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखोगे ना ये है CO2 टू स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है ये ग्राम है ऑक्सीजन जो है ये थर्टी टू ग्राम है और टोटल ये हो गया फोर्टी फोर ग्राम मेरी इतनी बाल को समझना मैं मैं बहुत सारे बेतहाशा एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये मैंने अब अब अगर मैं कहूं ये जो फोर्टी फोर ग्राम है दिस इज वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अगर आप इसको एस टीपी पर लेंगे इट विल ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब एट एस टी पी आप जरा इन बातों को देखो। अब अगर मैं कार्बन ट्वेल्व ग्राम के बजाय मैं कार्बन ले लेता हूं सिक्स ग्राम सिक्स ग्राम अब सिक्स ग्राम के साथ ऑक्सीजन हाफ किया तो ऑक्सीजन कितनी होगी सिक्सटीन ग्राम ये भी हाफ हो गया ट्वेंटी टू ग्राम ये भी हाफ हो गया पॉइंट फाइव मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हाफ हो गया अलेवन पॉइंट टू जीरो सेवन सुनना अब आपसे क्वेश्चन करता हूं मेरा क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप अगर आपके पास अगर आपके पास थ्री ग्राम ऑफ कार्बन हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनते हैं और थ्री ग्राम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना हासिल होता है अगर आपके पास थ्री ग्राम कार्बन हो तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मैस ये ये दो बातें अब जरा आओ, बा, बात जरा गौर से सुनना थ्री ग्राम कार्बन आपके जेन में फौरन ये पहले वाली जो पट्टी है ये आनी चाहिए अगर ट्वेल्व ग्राम कार्बन होगा तो इसमें कार्बन के मोल कितने होंगे वन मोल ट्वेल्व ग्राम कार्बन वन मोल अगर ट्वेल्व की बजाय सिक्स ग्राम हो गया तो यह हाफ मोल हो गया लेकिन आपके पास कितना थ्री ग्राम थ्री ग्राम सिक्स का भी हाफ है इसका मतलब है इफ आई हैव ग्राम ऑफ कार्बन तो मेरे पास इसका भी हाफ और इसके हाफ का मतलब पॉइंट टू फाइव मोल तो पहली बात अगर आपके पास थ्री ग्राम कार्बन होगा तो इससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हासिल होंगे पॉइंट टू फाइव मोल दूसरी बात पॉइंट थ्री ग्राम कार्बन से कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मैस देगा ट्वेल्व फोर्टी फोर ग्राम सिक्स ट्वेंटी टू ग्राम और इफ यू हैव द थ्री ग्राम देन यू विल हैव ग्राम। इसका मतलब है थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मैस हमारे पास आएगा अलेवन ग्राम आएगा एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं कहता हूं कि बताएं थ्री ग्राम कार्बन इसके लिए कितने ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बेक्रवट हो तो देखो 12 ग्राम 32, 6 ग्राम 16, इसका आपने हाफ किया तो इसका भी क्या कर लो हाफ और वो हाफ क्या हो जाएगा 8 ग्राम आपके पास इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये है कि 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होता है एंड यू हैव अलेवन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसको आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं ये जो तो मैंने बातें आपको बताई है ना अगर मैं आपसे मीथेन के बारे में कुछ बातें पूछू मीथेन का मोलेकुलर मैस ये है मेरा क्वेश्चन आपसे है मेरा क्वेश्चन ये है आपके कि इफ यू हैव यानी मैं मैं कहूंगा वॉल्यूम वॉल्यूम आकोपाइड बाय ऑकोपाइड बाय वॉल्यूम ऑकोपाइड बाय फोर ग्राम ऑफ मीथेन एट एसटीपी एट एस टी पी या वॉल्यूम ऑकोपाइड बायो मैंने मैस के वाले से बात की ना वॉल्यूम ऑकोपाइड बाय वॉल्यूम ऑकोपाइड बाय ऑकोपाइड बाय पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सी एच फोर एट एस टी पी इज एक और ये, ये, ये बातें आपको आनी चाहिए यह मैं ऊपर जो समझाया ना अगर आप इसको कर जाए मैं मैं कोई मुश्किल बात नहीं की है मैं बिल्कुल आसान बातें कर रहा हूं तो अगर आप इसको सॉल्व कर जाए तो बात ही बन जाए एक और चीज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास यू है इतना वॉल्यूम है बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें मॉलिक्यूल कितने दिस वन इज द क्वेश्चन क्वेश्चन और इसका आंसर मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको दे चुका हूं आप एक काम बला क्या करें तरतीब को देखना तरतीब को देखना आप काम ये करें ये वॉल्यूम है ना वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मोल्स बनाओ अब वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स बनाने हो तो आप बोला क्या करोगे जितना मैं ये आपको बात समझा चुका हूं जितना आपको वॉल्यूम दिया गया ना 11.207 पॉइंट दिया गया है इसको 22.414 पर 414 पर डिवाइड करो जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो तो आपके पास नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स मोल्स आ आ जाएंगे। जब वो आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए स्टूडेंट ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको मोलर वॉल्यूम डिस्कस की मैंने आपके साथ अब हम बढ़ते स्ट्राशियोमीट्री की तरफ स्टूडेंट स्टाशियोमीट्री पहले मैंने इसकी डेफिनेशन की तरफ आने से पहले ना मैं आपको इसके मीनिंग समझाना चाहता हूं स्टाशियोमीट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स स्टॉशियॉन एंड स्टाशियॉन मीन एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज मेटीड मैटीड एंड मेटरॉन मीन टू मेजर टू मेजर ये तो मैंने इसके मीनिंग बता दिए ना ये तो आपको वैसे बता दी है ना ताकि कि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज करे मैं स्ट्राशोमिटी की डेफिनेशन बता एक बात पहले स्ट्राशोमिटी इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की ब्रांच है स्ट्राशोमिटी इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम क्या स्टडी करते इन विच वी स्टडी इन विच वी स्टडी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैं अपने अल्फाज बार बार दोहराता हूं कि हमने हमारा मकसद इस डेफिनेशन को रट्टा लगाना नहीं है इसके अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है डेफिनेशन में तीन बातें बहुत वाजी हैं पहली बात इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पहली बात क्वांटिटेटिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पहले तो ये चीज है इनको जरा समझो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मुराद है कि लफ क्वांटिटी जब आता है ना क्वांटिटी क्वांटिटी अमाउंट अमाउंट मैं तीन अल्फाज को क्वांटिटी कहता हूं मैं तीन अल्फाज को क्वांटिटी कहता हूं एक मैस द सेकंड वन इज मोल द थर्ड वन इज वॉल्यूम मैस मोल वॉल्यूम इसका मतलब है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब है मैस मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान देखो मैं मैं एक ना इक्वेशन लिखता हूं एच टू प्लस ओ टू गोज टू एच टू ओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट वाटर इज द प्रोडक्ट ये ये रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्टेंट्स हैं एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो ये बात आ गई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उनके दरमियान इनका रिलेशन लेकिन अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट इन अ अस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आओ केमिकल इक्वेशन इक्वेशन दो तरह की होती है एक केमिकल इक्वेशन एक न्यूक्लियर इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन है ना इसमें देर इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल इक्वेशन में देर इज बॉन्ड ब्रेक इन रिएक्टेंट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अ केमिकल चेंज ये मैं, मैंने ये जो बातें बोली है ना इसको राइट डाउन कर लो दूसरी क्या कही न्यूक्लियर इक्वेशन न्यूक्लियर इक्वेशन हमें डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस उसके बारे में बताती न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ से जो पेरेंट पेरेंट न्यूक्लिया से जो डाटा न्यूक्लियाई में ट्रांसफर हुआ वो क्या क्या चेंजेस आई अब मैं केमिकल इक्वेशन की बात करता और यहां ये दिस वन इज द केमिकल इक्वेशन ये हमें केमिकल चेंज उसके यहां पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं रियक्टेंट में और प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहे दिस वन इज द केमिकल इक्वेशन बट वी नीड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद बराबर बराबर हो अब ये बैलेंस नहीं है ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन यह बैलेंस आई नीड बैलेंस अच्छा ये बैलेंस क्यों नहीं इधर दो हाइड्रोजन के एटम इधर भी दो हाइड्रोजन एटम दोनों साइड पर बराबर है। इधर ऑक्सीजन के दो एटम इधर ऑक्सीजन का एक एटम इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं है अब उसको बराबर करें बराबर करेंगे मैं तो बैलेंस करके लिख देता हूं ना नाउ दिस इज द केमिकल इक्वेशन ठीक है पता चल गया लेकिन अभी भी बात क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की वाजें नहीं हो रही रिएक्टन प्रोडक्ट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता चल गया क्वांटिटी का लफज का पता चल गया अभी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात मुकम्मल नहीं हो रही इजी है मैं आपसे कहता हूं बेटा जी हमें ना मैं मैं फर्ज कर रहा हूं मुझे ना 20 ग्राम वाटर चाहिए जब भी ग्राम आता है मैस की तरफ इशारा होता है जब भी ग्राम आएगा मैस की तरफ इशारा तो इसका मतलब है आई नीड ट्वेंटी ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाटर चाहिए अब ट्वेंटी ग्राम वाटर बनाने के लिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना लेंगे कितने ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन कितने कितने लेंगे ग्राम में साचा रिलेशनशिप इज कार्ड मैस मैस रिलेशनशिप प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट का मैस एक और बात मैं आपसे कहता हूं वी नीड ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर ग्राम मैस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड अच्छा सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कार्ड वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप बात मैं कहता हूं आई नीड ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड हाउ मेनी मोल्स साचा साचा रिलेशनशिप इज कार्ड मोल मैस रिलेशनशिप अब एक और बात कर लो मैं कहता हूं आई नीड फाइव मोल्स ऑफ वाटर तो फाइव मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने मोल्स चाहिए तो दिस इज कार्ड मोल मोल रिलेशन अब यू ही बात कर लो मैं कह दो नहीं मेरे पास आ, मेरे पास फोर मोल हाइड्रोजन है टेन मोल ऑक्सीजन है बताएं वाटर के कितने मोल्स बनेंगे या तो प्रोडक्ट के मोल कितने बनाने हैं उसके लिए रिएक्टेंट के कितने कितने मोल चाहिए या रिएक्टेंट के मोल्स आपको दे दिए उससे प्रोडक्ट कितना बनता है तो ये मोल 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 मैस वगैरह वगैरह दीज ऑल दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्राशोमीटी स्ट्राशोमीटी में एक बात आ गई वो है अजम्पशन 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 कहते हैं मफरूजा अजम्पशन कहते हैं फर्ज की हुई बात दो बेसिक अजम्पशन है पहली रिएक्टेंट्स जो है ना रिएक्टेंट्स आर में कहता हूं ऑल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते दिस वन इज एन अजम्पशन एक्चुअली कायनात में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ मकदार चाहे वो आटे में नमक के बराबर हो चाहे उससे भी कम हो वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रहती है बहरहाल वी हैव टू अज्यूम तो है ना रिएक्टेंट सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाए ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट नंबर टू नो नो साइड रिएक्शन साइड रिएक्शन अक्र कोई साइड रिएक्शन ना हो मसलन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से मिला कार्बन डाइऑक्साइड बना हमने कहा कार्बन ऑक्सीजन जितना भी लिया वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ एट द एंड ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन इसके मुताबिक एट द एंड कोई कार्बन नहीं कोई ऑक्सीजन नहीं सारे का सारा किसमें कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बात वो कहते हैं जी सिर्फ यही रिएक्शन होता है यहां भी हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो क्या स्टूडेंट कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता नो डाउट मेजर प्रोडक्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ही है इसमें कोई शक नहीं लेकिन कुछ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती दिस वन इज द मेन रिएक्शन कुछ साइड रिएक्शन होते हैं लेकिन हमने क्या कहना है कोई साइड रिएक्शन नहीं होता वाई बिकॉज दिस वन इज द अजम्पशन एक और भी चीज और वो क्या के जब आप स्टाशियोमीटी इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ना तो आप दो लॉज को ऊबे करते एंड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ एंड लॉ ऑफ़ डेफिनेट यानी ड्यूरिंग स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशन वी हैव टू ऊबे वी हैव टू ऊबे टू लॉज दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ एंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन दीज टू लास्ट आर ओबीन ड्यूरिंग स्ट्राशियोमेट्रिक एक बहुत 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 अहम बात वेरी इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्राशोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है ना इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द इसिबल रिएक्शन ये एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन इन ये कॉन्सेप्ट जो है ये पर नहीं। नहीं कहते ना रिएक्ट सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो रिवर्सिबल रिए तो प्रोडक्ट रिएक्ट में भी कन्वर्ट होता है तो पर रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेड सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता कुछ प्रोडक्ट भी रिएक्टेड में आता है इसका मतलब है कि ये जो पहली हमें कन्विंस करती है कि दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द रिएक्शन स्टूडेंट ये मैंने कुछ बातें आपके साथ एक एक ना टर्म एक टर्म दैट इज स्टाश्यूमेटिक स्ट्राइशमैट्रिक स्ट्राश्योमैट्रिक अमाउंट अमाउंट ये 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 बात आपको आएगी ना तो मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकूंगा अदरवाइज़ में अगला टॉपिक आपको पढ़ा ही नहीं सकता आपको स्ट्राशोमैटिक अमाउंट है। पहले पहले डेफिनेशन तो सुनो। ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इक्वेशन के मुताबिक आसान सी बात ये मेरे पास है कार्बन ये मेरे पास है ऑक्सीजन इट गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड ये मेरे पास है दोनों साइड पर आ, कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स की तरह दोनों साइड पर बैलेंस अच्छा अब अगली बात अगली बात क्या है अगली बात यह है कि मोल तो लिखा, लिखा है देखो जरा गौर से और यह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना वन मोल अब वन मोल कार्बन का मतलब ग्राम वन मोल ऑक्सीजन का मतलब लिखा ये मैंने अंदाजे से नहीं लिख दिया ये मैंने ऐसे नहीं लिख दिया जो मर्जी आप अमाउंट ले, नो दिस अमाउंट इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दैट इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड स्ट्राश्योमैटिको दिस वन इज दी टैरमी वन थिंग मोर जरा मुझे बताओ अगर मैं सिक्स ग्राम कार्बन लू सिक्सटीन ग्राम ऑक्सीजन लू क्या यह भी स्ट्राशोमेटिक अमाउंट है आंसर है ये This one is आगल, ये कैसे आ गई भाई आपने इस को हाफ किया, इसको भी हाफ किया आपने दोनों की अमाउंट को इक्वल रेशियो से कम कर दिया आगल, so equation, अब आप इसको थ्री कर दें इसको एट कर दें तो वो थ्री ग्राम कार्बन एट ग्राम ऑक्सीजन दैट इज आटाशियोमेटिक अमाउंट मुझे बताओ मुझे बताओ ये मेरे पास है ये मेरे पास है एच टू प्लस ओ टू गोज टू एच टू ओ बैलेंस करता हूं बैलेंस करने के बाद बात करेंगे टू एच टू प्लस ना दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं पहले इन सेंस ऑफ मोल बात करता हूं इन इन सेंस सेंस ऑफ ऑफ मोल मोल बात करूंगा ना ये टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वन मोल ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू मोल्स ऑफ वाटर अगर आप ये टू मोल वन मोल टू मोल दिस वन इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो दिस वन इज द दिक अमाउंट आप मैथ्स में बात कर लो

अगर आप दो ग्राम हाइड्रोजन लो बीस ग्राम ऑक्सीजन ले लो दैट इज नॉन स्ट्राशोमेटिक तो मोल में बात कर लो मैथ में बात कर लो अगर ये गैसेज है ये गैस है यह गैस है आप इनके वॉल्यूम की बात कर लो एस टी पी पे बात कर लो ना हाइड्रोजन दो मोल है ना दो मोल का मतलब है इफ यू हैव इफ लो फोर्टी फोर पॉइंट फोर टू फोर डीएम क्यूब अगर आप हाइड्रोजन लें और ट्वेंटी टू पॉइंट सॉरी इसको हम

एप्लीकेशन ऑफ स्टाशियोमी एप्लीकेशन बेटा जी स्टास की दो एप्लीकेशन हैं ये स्टाशियोमीट्री है, की क्या है एप्लीकेशन है अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से आगाज करते हैं स्टूडेंट अब हम आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ इस यूनिट से ये जो फर्स्ट यूनिट ऑफ पीएमसी सिलेबस है इसमें जो जो न्यूमेरिकल टाइप एमसी क्यों wrong, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा मुश्किल तो नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट इस बात को पिक नहीं कर पाता पहले तो ना इन अल्फाज पे गौर करना लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग लिमिटिंग ये लफज लिमिट से आया लिमिट लिमिट मीन रोक देना रोक देना और मैं एक बात बार बार कहता हूं ये लफज रिएक्टेंट लिखा हुआ है ये रिएक्शन नहीं लिखा रिएक्शन नहीं, रे, नहीं है ये रेक्टेंट, 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 नहीं है ये लफज लिखा हुआ रिएक्टेंट रिएक्टेंट एस नहीं है शिंगुलर। ये सिंगुलर है सिंगुलर ये अब ना लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो रोक देता है किसको रिएक्शन को क्यों क्यों रोक देता है अब इसका आप खुद ही अंदाजा लगा लो देखो मेरे पास ना वुड है लकड़ी है वुड मैं इसको हवा में जलाता हूं ये जो ऑक्सीजन है ना दिस ऑक्सीजन इज फ्रॉम एयर जब मैं जलाता हूं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं साथ हीट प्रोड्यूस होती है ये रिएक्शन है अब मैंने लकड़ी ली लकड़ी ली उसको हवा में रख छोड़ा उसको जलाया अब हवा में बहुतात में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है कुछ देर दिस दिस वन बर्न, बर्निंग ऑफ वुड अब कुछ देर के बाद वो जो बर्निंग प्रोसेस है वो रुक गया कंबस्टन रिएक्शन रुक गया क्यों क्या हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई कैसे कौन सी चीज खत्म होगी वुड तो दो रिएक्टेंट थे वुड और ऑक्सीजन कौन सा रिएक्टेंट खत्म हुआ तो कंबस्टन प्रोसेस किया किस रिएक्टेंट ने रिएक्शन को रोक दिया वो थी वुड वुड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट अर्लियर कंज्यूम हो जाता है यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम क्या कहेंगे दो बातें कहेंगे दो बातें लिमिटिंग रिएक्टेंट में एल आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो जो कंज्यूम्स कंज्यूम्स अर्लियर जो जल्दी इस्तेमाल हो गया और दूसरी बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विच प्रोड्यूसिस विच प्रोड्यूसिज produces लीस्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसे हम कहते हैं लिमिट मेरा ना मेरा आज का मकसद आपको चार बातें समझाना चार बातें और मैं कोशिश करूंगा उन फोर पॉइंट्स में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको दे जाऊं अच्छा पहले ना मैं मुद्दा उठाता हूं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इससे रेलिवेंट क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन H2 टू एंड यू हैव थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यू हैव टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ वाटर वाटर कितना बना मैस ऑफ वाटर बताओ कितना बना दूसरा नंबर ऑफ मोल्स मुझे बताओ वाटर के कितने आंसू हुए तीसरी बताओ बात जो नॉन लिमिटिंग नॉन या दूसरा मैं कहता हूं एक्सेस एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेंट वो कितना बचा इस किस्म के क्वेश्चन आपसे एंटीटस में पूछे जाएंगे अब अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है ना मैं पहले ही बात करूंगा कि बेटा जी ये दो रिएक्टेंट है ना पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो आप लिखेंगे टू एच टू प्लस ओ टू गोस टू टू एच टू ओ ठीक है अब कहा गया है आपके पास टू ग्राम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन टू ग्राम है ऑक्सीजन थर्टी टू ग्राम है थर्टी टू ग्राम है बता दो बातें आपसे कितनी कितना मोल्स वाटर बना या या क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी अमाउंट वाटर की हासिल हुई और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो मैं पहली बात करूंगा कि बेटा जी इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट चूज करो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो अर्लियर कंज्यूम हुआ इस बात को जानना मुश्किल है ये मुश्किल है ये मुश्किल है कि कौन अर्लियर कंज्यूम हुआ हां विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इससे लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना आसान है मैंने कहा मैं चार बातें आपको बताऊंगा उसमें पहली बात मेरी ये है दूसरी बात ए, एक तो ये जेन में बिठा लो ना दूसरी बात दूसरी बात है नंबर टू पे इफ द इफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स आर इन स्टॉयशियो स्टॉयशियो मैट्रिक अमाउंट अमाउंट देन नो विल बी विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट ये मेरी दूसरी बात आपने जेन में बिठानी मैं पहले ना इन दो बातों इनकी वजाहत करता हूं फिर मैं एक लफ्ज़ और लाऊंगा जरा पहले सुना मैं आसान सी एग्जाम्पल जो अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में आपको दे रहा होता हूं वो क्या है वो एग्जाम्पल है कि आपके पास ना एक स्टेरिंग है आपके पास फोर टायर्स हैं इससे एक कार बनती है आप फर्ज करें आप फर्ज करें ये केमिकल रिएक्शन है इसमें ये रिएक्टेंट है एंड कार दिस वन इज द प्रोडक्ट अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि एक स्टेयरिंग के साथ चार टायर्स कंबाइन होते दिस वन वन इज द बैलेंस एंड यू हैव कार ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी अच्छा अब अगली बार सुने अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी एक स्टेयरिंग चार टायर ले लो एक कार बन गई कार बनने के बाद स्टेयरिंग कितने बचे आंसर है नहीं कोई भी नहीं बचा टायर टाय बचे आंसर है कोई भी नहीं बचा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि स्टेरिंग और टाय दोनों इक्वली एट अ टाइम कंज्यूम हो गए दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में ही लिमिटिंग रिएक्टेंट हो अब मैंने इसका तोड़ क्या निकाला है मैंने आपसे कहा इफ द रिएक्टेंट्स आर इन अमाउंट एक स्टास चार टायर दिस अमाउंट इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिस वन इज द अमाउंट अब इस केस में इन दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टन नहीं है एक तो ये बात आ गई ये ये आपने ना हर दफा जेन में रख रही है। कि क्या आ, स्टैशोमेटिक अमाउंट में है अब दूसरी बात की तरफ आगे बढ़ो मैं आपको ये नुकता ये, ये हो गया ये क्लियर हो गया अब इस पॉइंट की तरफ आओ लिमिटिंग रिएक्टन वो होता है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए मुझे एक बात बताना अगर मैं अगर मैं दो स्टेरिंग लू दो स्टेयरिंग लू और मैं ट्वेल्व टायर्स लू टी टायर्स मुझे ना फिलहाल प्रोडक्ट को छोड़ो मुझे बताओ इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है कौन है इस बार को जेन में बिठाओ लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट कम बनाता है इसमें प्रोडक्ट कार दोनों में से देखो कौन प्रोडक्ट कम बना रहा है अब देखो दो स्टेरिंग कहते हैं दो कार दो कार्स बने ट्वेल्व टायर्स कहते हैं थ्री कार्स बनेंगे एक कहता है प्रोडक्ट दो बनेगा दूसरा कहता है नहीं प्रोडक्ट तीन बनेंगे अब दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा जो प्रोडक्ट कम बनाता है और वो कौन बना रहा है स्टेरिंग तो मतलब है कि इस केस में जो स्टेरिंग है दे आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ जो प्रोडक्ट कम बनाता है अब यहां पर सुनो ये क्वेश्चन आ गया आपने पहले दोनों में से क्या ढूंढना है आपने इन दोनों में से ढूंढना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है कैसे मैं ढूंढू आप इसको पहले तो ये देखो क्या ये जो मैंने टू ग्राम थर्टी टू ग्राम दिया क्या ये स्टाशियोमेट्रिक अमाउंट तो नहीं है अब देखो दो टू एच टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन के दो मोल एक मोल हाइड्रोजन टू ग्राम होता है टू मोल हाइड्रोजन फोर ग्राम है तो फोर ग्राम हाइड्रोजन थर्टी टू अगर ये टू के बजाय फोर ग्राम होता और ऑक्सीजन थर्टी टू ग्राम होता तो फिर तो ये ये अमाउंट थी लेकिन ग्राम है इसका मतलब है कि ये जो मैंने अमाउंट ली ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये नॉन है अब इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ तो दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो वाटर कम बनाएगा जो प्रोडक्ट कम बनाए अब दोनों से हम पूछ लेते हैं अब देखो इसमें ये आपके पास हाइड्रोजन है इससे पूछो ये वाटर कितना बनाएगा ये आपके पास ऑक्सीजन है इससे पूछो ये वाटर कितना बनाएगा दोनों रिएक्टेंट से बारी बारी हाइड्रोजन कितना है टू मोल्स तो वाटर भी कितना बना टू यानी दो मोल अगर हाइड्रोजन हो तो वाटर के भी दो मोल बनते हैं अब यहां पेट पे आ जाओ दो मोल दो मोल चार मोल चार मोल तीन मोल तीन मोल दस मोल दस मोल तो जितने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि जितने मोल हाइड्रोजन होगा उतने मोल ही वो वाटर बनाएगा आपके पास हाइड्रोजन कितना है मेरे पास टू ग्राम है मोल नहीं है आप टू ग्राम के मोल बना लो तो टू ग्राम हाइड्रोजन इज वन मोल इसका मतलब है अगर टू मोल ग्राम टू मोल हाइड्रोजन टू तो अगर वन मोल हाइड्रोजन होगा तो इट विल फॉर्म वन मोल ऑफ वाटर इन दिस केस हाइड्रोजन जो एक रिएक्टेंट है जो टू ग्राम हमने लिया इट विल फॉर्म वन मोल ऑफ वाटर अब दूसरी तरफ़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट अगर होगा, टू अगर वन मोल ऑक्सीजन है तो इट विल फॉर्म टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अब आपके पास ऑक्सीजन कितना है वो थर्टी टू ग्राम है तो बेटा जी थर्टी टू ग्राम वन मोल ही तो होता है तो इसका मतलब है कि वन मोल हाइड्रोजन अब एक ये जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट कितना बना रहा है टू मोल अब देखो मैंने क्या कहा आपने इन दोनों में से जितनी अमाउंट दी गई है इस अमाउंट की बुनियाद पर आपने इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफाई करना एक रिएक्टेंट कहता है प्रोडक्ट बनेगा वन मोल दूसरा कहता नहीं प्रोडक्ट बनेगा टू मोल जो उनकी गिवन अमाउंट है उसके मुताबिक अब दोनों में से प्रोडक्ट कौन कम बना रहा है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाए इस केस में हाइड्रोजन प्रोडक्ट कम बना रहा है वाटर कम बना रहा है तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आपके पास एच टू इज लिमिटिंग रिएक्टेंट ये पहली बात होगी और तीसरे पॉइंट पे आओ तीसरा पॉइंट मैंने कहा ना मैंने चार पॉइंट बताने तीसरा पॉइंट प्रोडक्ट मैं उर्दू में लिखूंगा प्रोडक्ट बनता भी, भी उतना है जितना जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है बनाता है अब मुझे जरा बताना जब मैंने कहा था ना दो टू स्टेयरिंग ट्वेल्व टायर्स तो हमने कैलकुलेशन की तो स्टेयरिंग जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है अब मैं आपको दो स्टेयरिंग देता हूं मैं आपको ट्वेल्व टायर्स देता हूं मुझे बताओ आप कारें कितनी बना के लाएंगे टू स्टेरिंग कहते हैं दो कारे टायर कहते हैं नहीं तीन कारें बनेगी बनेगी कितनी टू लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही अब अगर आप इतने ग्राम हाइड्रोजन इतने ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो वाटर ऑक्सीजन कहता है दो मोल बनना है हाइड्रोजन कहता है नहीं वन मोल बनना है वाटर कितना बनेगा जितना हाइड्रोजन कहता है प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटन और केस में हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वाटर फिर कितना बना वन मोल बना तो कितने मोल वाटर बना वन मोल वो कहते जी मोल तो बता दिया हमें बताओ वाटर का कितना मैस हासिल हुआ आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एन इज कल टू समाल एम ओवर कैपिटल एम ये था अगर आप मैस लेना चाहते इसको मल्टीप्लाई करो तो मैस इज कल टू एन इन कैपिटल एम ये आपके पास आ गया इसका मतलब है कितने मोल्स आपके पास वन मोल वाटर बना तो वन बाय वाटर का मोलर मैस 18, द आंसर विल बी 18 ग्राम. तो इसका मतलब है आपके पास ये 18 ग्राम बना एक और भी मैंने बात की थी और वो क्या की थी रियक, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो सारे का सारा कंज्यूम हो गया ऑक्सीजन इसमें नॉन लिमिटिंग था तो ऑक्सीजन क्या सारा कंज्यूम हुआ? नो. क्या कुछ बचा यस कितना बचा कितना बचा तो वो आप कैलकुलेट कर सकते आपने कैलकुलेट कैसे करेंगे आप ना इन दोनों को ले लो आप ऑक्सीजन को ले लो आप हाइड्रोजन को ले लो अगर अगर ऑक्सीजन का वन मोल हो बल्कि ना आप जानना चाहते हैं कि कितना हाइड्रोजन को ले लो और ऑक्सीजन को ले लो अच्छा अगर हाइड्रोजन के टू मोल्स हो तो ऑक्सीजन का एक मोल यूज होता है हाइड्रोजन के टू मोल्स के साथ ऑक्सीजन का वन मोल अब आप हाइड्रोजन का कितने हैं हाइड्रोजन का मेरे पास वन मोल है वो आपका आंसर तो अगर इसके टू हैं तो इसका वन यूज होगा और इसका वन मोल है तो फिर इसका क्या होगा हाफ मोल यूज होगा आपके पास है क्या थर्टी टू ग्राम थर्टी टू ग्राम तो वन मोल है इस थर्टी टू ग्राम में से हाफ मोल और हाफ मोल इसका कितना होगा सिक्सटीन ग्राम तो इसका मतलब ऑक्सीजन थर्टी टू में से सिक्सटीन ग्राम यूज होगा हाइड्रोजन टू का टू ग्राम यूज हो जाएगा ऑक्सीजन कितना बचेगा सिक्सटीन ग्राम बच जाएगा तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बचा वो ग्राम बचा। मोल में बात करो पॉइंट फाइव मोल ऑक्सीजन बच गया ये चीजें आपको आनी चाहिए यानी और चौथी बात चौथी बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं चौथी बात यह है कि अगर रिएक्टेंट में से कोई रिएक्टेंट एक्सेस में हो फिर तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचान करनी ही आसान है मेरी बातों को जरा देना मैंने क्या कहा इस किस्म का जब भी कोई क्वेश्चन आता है और आएगा तो सबसे पहला काम होता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढें उसमें मैंने पहली बात की कि पहले आप देखो कि ये जो गिवन अमाउंट है क्या ये स्टाशोमैटिक अमाउंट तो नहीं अगर ये स्ट्राशोमेटिक अमाउंट हो तो फिर दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है फिर जितनी भी प्रोडक्ट दोनों में से कोई एक बनाएगा उतना ही प्रोडक्ट बनता जाएगा लेकिन अगर दोनों की स्टाशियोमेटिक अमाउंट नहीं होगी जब आपने को पहचान लिया अब लिमिटिंग प्रोडक्ट बनेगा मोल में आ जाए मैथ में पूछ ले आप उसको इस तरह मैनेज करें नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कितना बचा आप उसको कैलकुलेट कर देंगे अब तीसरी बात हमें कहा जाता है कि यू हैव मीथेन

तो मैं मैं आपको बता क्या रहा हूं कि अगर दोनों रिएक्ट में से एक रिएक्टन कह दिया जाए वो एक्सेस में है वो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है फिर दूसरा क्या होगा वो लिमिट आपको फिर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तो अगर कहीं भी स्टेटमेंट के दौरान एक्सेस का लफज आ जाता है तो फॉरन एक्सेप्ट कर लें कि एक्सेस का मतलब है कि वो नॉन लिमिटिंग है और जो अदर रिएक्टेंट है विल लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना बनाएगा उसका फैसला लिमिटिंग रिएक्टेंट करेगा ये चार मैंने आपको, अब जितने भी टाइप, टाइप, आएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे मेरी इन बातों को बुनियाद बनाइएगा एक और चीज और वो है, यील्ड, यील्ड, यील्ड जो है ना स्टूडेंट हम उर्दू में कहते हैं पैदावार पैदावार यील्ड को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अच्छा बड़ी खूबसूरत बात ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड है ना बोथ आर एप्लीकेशंस ऑफ स्टास लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम रिएक्टेंट की इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे रहते हैं और जब यील्ड की तरफ आते हैं तो हम राइट साइड पे चले जाते हैं ये यील्ड तीन किस्म का होता है आप जानते हैं एक को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड यील्ड एक्चुअल एक को हम कहते हैं थ्यूरेटिकल यील्ड और द थर्ड वन इज परसेंटेज ये ये अल्फाज से ही और थ्योरेटिकल येल्ड जब भी मैंने बोला अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैं येल्ड नहीं बोला मैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हूं थ्योरेटिकल येल्ड वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करें यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा क्यों क्योंकि येल्ड स्ट्राशियोमेट्री अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा तो थ्योरेटिकल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन ये थ्योरेटिकल है ये हकीकत भी है ये हकीकत भी है तो हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल ये कम होती है और परसेंटेज परसेंटेज ये एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बताती है मेरे अल्फाज पे गौर करना परसेंटेज यील परसेंटेज यील्ड के बारे में दो अल्फाज तो याद करो ना एक तो इसका फार्मूला है और फार्मूला क्या है एट एट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एट मल्टीप्लाई एट एट क्या है एडमिन एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय यील्ड एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये सॉल्व करो यू विल फाइंड आउट और एक और चीज परसेंटेज जो दूसरा परसेंटेज यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैं एक और एक और लफ बोलूंगा परसेंटेज यील्ड इज़ टेल्स अस द एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या मतलब है एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी रिएक्शन की कारकर्दगी से क्या मुराद जितना रिएक्टेंट आप ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे रिएक्टन को जाया होने से जितना रोकेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतनी परसेंटेज येल्ड ज्यादा होगी अगर सारे का सारा रिएक्टन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसका एक जर्रा भी जाया ना हो तो ये देन द एफिशिएंसी विल बी हंड्रेड परसेंट लेकिन हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी ख्यालों में ही आ सकती आमतौर पर फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी परसेंट तक एफिशिएंसी रहती है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बहुत सारा जो रिएक्टेंट है वो बहुत सारा रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान जो है वो डिफरेंट रीजन की वजह से वो ज़ाया हो जाता है और आप सारे का सारा रिएक्टन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट ये था हमारा यूनिट नंबर वन और मैं हर दफा आपसे कहता हूं कि मैंने ने ये इलम फैलाने का जो सिलसिला शुरू किया है इसमें मुझे आपकी मदद मतलब दरकार है इस चैनल को आप जितना भी ज़्यादा फैला सकते हैं आप इसको सब्सक्राइब करें और एक और बात बेल आइकन को ज़रूर पुश किया करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरी दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाब करें असलिकम रहमतुल्लाह